ओपन है, लेकिन जो शुक्राणु हैं वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली जो यूट्रस है उसके साथ फिलोपियन ट्यूब्स अटैच्ड होती हैं, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो शुक्राणु वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इन सब केसेस में हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के ज़रिए गर्भधारण करा सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम किसी प्रोसीजर के बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पाते और उसके इलाज के अभाव में हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन आज बड़े सरल शब्दों में शोभा गुप्ता जी ने हमें बताया कि IUI तकनीक वास्तव में है क्या। मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस तरह से इस प्रोसीजर को बताएं कि हमारे सभी व्यूअर्स जो शहर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, आसानी से इस प्रोसीजर को समझ सकें और उचित इलाज करवा सकें। IUI एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। इसमें हम पहले महिला को अंडे बनाने के लिए दवा देते हैं, जो कि ओरल ड्रग्स भी हो सकते हैं। अगर महिला के ओरल ड्रग्स से अंडे बन जाते हैं तो हम उनको एग रप्चर होने और एग मैच्योरेशन का इंजेक्शन देते हैं, और जिस टाइम पर एग मैच्योर हो रहा होता है उस दिन हम उसके हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं वो लेते हैं और उसको कुछ केमिकल्स और मशीनों द्वारा प्रिपेयर करके जो बेस्ट स्पर्म्स हैं उसको महिला की एकदम यूट्रस के जो हाईएस्ट पॉइंट हैं जहाँ पे ट्यूबल ओपनिंग्स होती हैं वहाँ पर डाल देते हैं। और उससे, क्योंकि हमें पता है कि अंडा रप्चर हो गया है और उस समय जब हम डालते हैं तो शुक्राणु अंडे तक पहुँच जाते हैं और गर्भधारण के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और एक जो आम आदमी है उसकी पहुँच में है और इससे बहुत ईजीली गर्भधारण किया जा सकता है। मैम, आपने IUI तकनीक के बारे में बताया और बताया कि किन कपल्स को किन स्थितियों में IUI तकनीक की आवश्यकता होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या ये प्रोसीज़र बहुत पेनफुल है या इसमें बहुत सा खर्चा आ जाता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि दंपति खर्चे को लेकर भी परेशान रहते हैं, बहुत से वर्ष वो ऐसे ही गुजार देते हैं कि उनके पास इतना स्पेंड करने के लिए मनी ही नहीं होती। तो इस स्थिति में आप उनको किस तरह से आसान तरीके से समझाना चाहेंगे कि वो इस तकनीक का सहारा लें। इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन में बिल्कुल भी पेन नहीं होता, ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। अगर महिला को किसी तरह की इन्फेक्शन है उसको पहले ट्रीट कर दिया जाता है और इसमें बिल्कुल पता भी नहीं लगता कि प्रोसीजर हो गया है। ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, बस इसमें महिला को फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए 5 से 7 बार सेंटर में आना पड़ता है। जब हम अंडा बनाने की दवाई देते हैं महिला को तो उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अंडे का साइज़ जो है, एग का साइज़ है, वो मेजर करते रहते हैं और एक पर्टिकुलर साइज़ का जब अंडा हो जाता है तब रप्चर होने का इंजेक्शन देते हैं। तो उसके लिए एक साधारण सा अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आना पड़ता है और जब एग रप्चर हो जाता है फिर हम देखते हैं एग रप्चर हो गया, तो वो जस्ट शुक्राणु को प्रिपेयर करके ऊपर डालने की प्रक्रिया है। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है और आराम से कराया जा सकता है। IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बिल्कुल भी खर्चीला प्रोसीजर नहीं है अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो। ये एक आम आदमी की पहुंच में है और कम से कम इसको लगातार साइकिल लेनी चाहिए और बिल्कुल भी खर्चीला प्रोसीजर नहीं है और ये बिल्कुल आम आदमी की पहुंच में है। इसमें जस्ट हम अगर ओरल ड्रग से अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। और अगर हम इंजेक्शन्स देते हैं, कई बार क्या होता है कि ओरल ड्रग से सही अंडे सही मात्रा में नहीं बन पाते हैं या सही साइज़ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन परिस्थिति में हम 3, 4 या 5 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए फिर अंडा बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत अधिक खर्चा नहीं है। तो IUI एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बिल्कुल भी खर्चीला नहीं है और एक आम आदमी की पहुँच में है। मैम, आपने IUI तकनीक के बारे में हमें बताया और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे सिर्फ एकमात्र एपिसोड के प्रसारण से ही हमें इतने ढेरों फ़ोन कॉल्स मिले और सभी जानना चाहते हैं कि मैम से हम प्रत्येक बीमारी का इलाज जान सके। जो छोटी छोटी भी बातें हैं वो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि आपकी बातें उनको बड़ी आसानी से समझ में आ गई हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि IUI तकनीक का सक्सेस रेट क्या है और एक कपल इसकी कितनी साइकिल ले सकता है। देखिए, IUI से पहले सबसे पहले क्राइटेरिया ये होता है कि IUI किन मरीज़ों में कराना है। सबसे पहले उसमें महिला की जो ट्यूब्स हैं वो ओपन होनी चाहिए, बिना ट्यूब का टेस्ट कराए बिना कभी भी IUI की साइकिल्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अंडा बन जाएगा, अंडा रप्चर हो जाएगा, लेकिन अगर ट्यूब उसको कैच ही नहीं करेगी, ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड हैं तो शुक्राणु डालने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर है वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है,
तो ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए। अगर महिला के ट्यूब्स ओपन है और शुक्राणुओं का काउंट नॉर्मल है, इसके लिए पुरुष के शुक्राणु भी नॉर्मल होने चाहिए। तो अगर एनोवुलेटरी साइकिल के कारण या सर्वाइकल फैक्टर के कारण या जो पुरुष हैं उनमें भी कई बार प्रॉब्लम होती है, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम होती है या फिर उनका जो है स्टरिलिटी की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन कारणों के वजह से अगर गर्भधारण नहीं हो रहा तो उसमें IUI एक सफल प्रोसीजर है। तो ट्यूब्स ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, इसका सक्सेस रेट जो है एक साइकिल का 20-25% है। उसका कारण ये है कि अंडा बन जाता है, अंडा रप्चर हो जाता है और नीचे से शुक्राणु डाल दिए जाते हैं, लेकिन जो अंडा फेलोपियन ट्यूब के अंदर आना है उसका काम भी अभी नेचर के पास है, क्योंकि नेचर को वो अंडा कैच करना है। जैसे ही एग रप्चर हुआ तो फेलोपियन ट्यूब अगर उस साइकिल में उस एग को कैच कर लेती है और अगर हमने शुक्राणु डाल दिए तो वो प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो हर साइकिल में 20-25% चांस होते हैं कि फेलोपियन ट्यूब उस एग को कैच कर लेगी। तो इसलिए कम से कम 6 साइकिल IUI की लेनी चाहिए, जिसमें कि 80% दंपति गर्भधारण कर सकते हैं, बशर्ते ट्यूब ओपन है और पुरुष भी नॉर्मल है और एग बन रहा है। तो 6 साइकिल में 80% दंपति कंसीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने फर्स्ट साइकिल ली और उसमें सक्सेस नहीं हुआ तो उसमें निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस साइकिल में फेलोपियन ट्यूब ने अंडे को कैच ना किया हो, तो नेक्स्ट साइकिल में फिलिपिन ट्यूब अंडे को कैच कर लेगी। तो 6 महीने तक जब आप इलाज लेते हैं IUI का, तो उसमें चांसेस होते हैं कि 80% कपल कंसीव कर जाते हैं। मैम, क्या कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो शहरों में हैं, आसानी से इस तकनीक का लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि किस तरह से हम स्टेप वाइज इसको प्रोसीजर को अपने जीवन में अपना सकते हैं और संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारे दर्शक बहुत से ऐसे हैं जो गांवों में भी रहते हैं और उन्हें उचित इलाज की व्यवस्था नहीं मिल पाती, तो आप उन्हें किस तरह से सजेस्ट करना चाहेंगी, किस तरह से बताना चाहेंगी कि वो कहां पर जाएं और किस पर्टिकुलर जगह पर ये टेस्ट अवेलेबल हो सकते हैं? इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो आजकल लगभग सभी गायनेकोलॉजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोसीजर सफल तभी होगा जब एग्जैक्ट ओव्यूलेशन के टाइम पे ये इंसेमिनेशन किया जाए और अल्ट्रासाउंड और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एकदम एग्जैक्ट रखी जाए। तो एक स्पेशलाइज सेंटर में ही जाना चाहिए और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाने से ही सक्सेस की रेट उनकी अधिक हो सकती है। अदरवाइज़ ये टेस्ट IUI का जो प्रोसीजर है वो तो अवेलेबल है, लेकिन अगर IUI का प्रोसीजर एग रप्चर एग्जैक्ट टाइम पे नहीं किया गया तो उसकी जो सफलता की दर है वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें 3-4 सेटिंग के लिए आना पड़ता है। सबसे पहले तो जब माहवारी मरीज़ की जो महिला है उसकी माहवारी आती है उसके दूसरे या तीसरे दिन से इसकी दवाइयाँ स्टार्ट होती हैं, जो कि एग बनने की दवाई स्टार्ट होती है, जो कि 5 दिन खानी पड़ती है अगर ओरल ड्रग से स्टार्ट कर रहे हैं तो। तो एक बार महिला उस दिन विजिट दे सकती है अपॉइंटमेंट लेके, जिस दिन उसकी महावारी आई उसके दूसरे या तीसरे दिन का अपॉइंटमेंट ले लें और उसके बाद वो 5 दिन की मेडिसिन खा लें। उसके बाद 2 या 3 बार अल्ट्रासाउंड के लिए आना पड़ता है और एक बार IUI के प्रोसीजर के लिए। तो विद अपॉइंटमेंट्स अगर कोई मरीज़ दूर भी है तो भी एक स्पेशलाइज सेंटर में उस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेके IUI का प्रोसीजर करा सकता है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। मैं इसके लिए यकीनन आप ही को धन्यवाद देना चाहूँगी। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने बहुत से दर्शकों के मन में, जो हमारा इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, सबके मन में एक बहुत उम्मीद की किरण जाग उठी है हमारे प्रोग्राम के जरिए, आप उन्हें ये भी बताएं कि IUI तकनीक के माध्यम से वो कितनी साइकिल लेने के बाद गर्भधारण कर सकते हैं या कितनी साइकिल हम IUI तकनीक की ले सकते हैं। देखिए, अगर WHO और ICMR की गाइडलाइंस देखे जाएँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 6 IUI साइकिल्स उन्होंने रिकमेंड किए हैं कि एक जो दंपति है वो अपने लाइफ में 6 साइकिल तक ले सकता है, लेकिन वो साइकिल्स बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम्ड होनी चाहिए, ओव्यूलेशन के टाइम पे ही IUI के साइकिल्स होने चाहिए। और इसमें जो 3 साइकिल्स हैं वो ओरल ड्रग के साथ ले सकते हैं और जो नेक्स्ट 3 साइकिल्स हैं अगर ओरल ड्रग्स के साथ, क्योंकि ओरल ड्रग्स के साथ कुछ सफलता की दर कम होती है, तो इंजेक्शंस के साथ अगली 3 साइकिल जो मरीज़ है वो ले सकता है। और इसमें 80-90% जो मरीज़ है अगर दंपति ठीक है, ट्यूब्स ओपन है, तो कंसीव कर जाते हैं। तो टोटल 6 साइकिल्स ही लेनी चाहिए, 6 से ज़्यादा साइकिल IUI की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो महिला है उसके पास जो अंडे हैं उसका रिज़र्व लिमिटेड है, पुरुष के पास शुक्राणुओं का रिज़र्व लिमिटेड नहीं है।
वो काफ़ी एज तक शुक्राणु का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन महिला को नेचर ने एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स दिए हैं। तो अगर हम इसकी 6 साइकिल अगर किसी कपल में फेल हो जाती हैं IUI की, तो उसके बाद उसको हायर प्रोसीजर टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसीजर में चला जाना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि पेरिफेरी में 3 साइकिल एक डॉक्टर से ली, फिर डॉक्टर चेंज कर लिया, फिर 2 उधर से ले ली, ऐसे करके 12 से 15 IUI की ही साइकिल ले ली। और एक तो ये होता है कि बार बार डॉक्टर चेंज करते हैं, और दूसरा वो टाइम्ड प्रोसीजर नहीं होता, अल्ट्रासाउंड कहीं और से कराते हैं और वो एकदम टाइमिंग में प्रोसीजर नहीं होता। तो अगर 6 साइकिल में भी गर्भधारण नहीं हो रहा है तो उसके बाद हायर प्रोसीजर पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 12, 13, 14, 15 ऐसे आप IUI की साइकिल्स करा लेते हैं विद ओरल ड्रग्स, तो उसके बाद आपका एग का रिजर्व बहुत कम हो जाता है और टेस्ट ट्यूब बेबी का भी सक्सेस का चांस फिर डिक्रीज़ हो जाता है उन कपल्स में। क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जब हम एग्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसके पास एग्स होते ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइकिल्स IUI के ले चुके हैं। तो 6 साइकिल में एक अच्छे सेंटर में जाएं और 6 साइकिल में उनको कंसीव हो जाएगा। और बाय चांस कोई फेल होता है 6 साइकिल्स में भी, जैसे 10% उसमें भी रह जाएंगे जो नहीं कंसीव कर पाएंगे, तो उन केसेस में फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा में जाना चाहिए। मैम, साधारणतः ये माना जाता है कि जब हम कोई भी टेस्ट करवाते हैं या स्त्री से जुड़े हुए हों, पुरुषों की तो बात आपने बता ही दी सरलता से के साथ कि एक स्पर्म टेस्ट होता है जो वो इजिली करवा सकते हैं। स्त्रियों में बहुत से टेस्ट होते हैं और मानसिक रूप से वैसे ही परेशान होती है स्त्री, ऐसे में जब उसको विभिन्न टेस्टों के लिए बोला जाता है तो उसके मन में ये आता है कि अब मुझे एक बहुत कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ेगा, पीड़ा फिर सहन करनी पड़ेगी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि IUI तकनीक में फिजिकल वीकनेस को फेस करना पड़ता है या बहुत कष्टदायक तकनीक है ये, किस तरह से इसका इलाज होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। 15 मिनट में मरीज़ अपने घर जा सकती है IUI कराने के बाद, और वो अपनी सारी ही रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकती है और उसको बिल्कुल पता ही नहीं लगता ये प्रोसीजर हो गया। इसमें जस्ट हम क्या कर रहे हैं, महिला को असिस्ट कर रहे हैं कि जो शुक्राणु जो हैं वो ऊपर नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको हम एक ट्यूब के ज़रिए ऊपर पहुँचा रहे हैं बस। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप सब संतान सुख शीघ्रता के साथ प्राप्त कर सकें। हमारे साथ हैं डॉक्टर शोभा गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत अच्छे शब्दों के साथ या बहुत सरलता के साथ बिना किसी भूमिका के हमें बताया कि हम किस तरह से विभिन्न तकनीकों को अपने जीवन में अपनाकर संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक तकनीक थी IUI, जिसके बारे में हमें आज डॉक्टर शोभा गुप्ता जी ने बताया। मैं इसके लिए डॉक्टर शोभा गुप्ता जी का धन्यवाद करती हूँ और ये कामना करती हूँ कि आप डॉक्टर शोभा गुप्ता जी के दिशा निर्देशन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुविधा ले सकें, संतान सुख प्राप्त कर सकें और एक नन्ही सी मुस्कान को अपने जीवन में ला सकें। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम के बाद हमें 150 फ़ोन कॉल्स प्राप्त हुए। अगर आप भी डॉक्टर शोभा गुप्ता जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या पर्सनली उनके साथ मिलना चाहते हैं तो कॉन्टीन्यूसली हमारे सभी टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अभी हमें फ़ोन मिलाइए और डॉक्टर शोभा गुप्ता जी से बात कीजिए और शीघ्रता के साथ अपनी प्रत्येक समस्या का निदान पाइए और अपने हर सपने को सच करने में हमारा साथ दीजिए। मैम, हमने आपसे IUI तकनीक के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की और हमारे दर्शक बहुत खुश भी हैं क्योंकि उन्हें उचित प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से वो शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके फोन कॉल्स हमें लगातार मिल रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह अपना सहयोग हमें देते रहें, क्योंकि डॉक्टर शोभा गुप्ता जी का एकमात्र उद्देश्य ये ही है कि वो इस छोटी सी उम्र में सभी दर्शकों को, जितना भी देख रहे हैं और जो इस इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, वो शीघ्र ही इस समस्या से छुटकारा पा सके और अपने घर में आंगन में एक नन्हे मुन्ने को ला सके। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि सेम डे सेम चैनल पर हमारे कार्यक्रम को इसी तरह से देखते रहना है और अपना सहयोग हमें इसी तरह से देते रहना है। हमारी कामना आपका मंगलमय जीवन। धन्यवाद।